नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी। कहानी का नाम है बातूनी कछुआ। जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। वहाँ पहाड़ों से दो हंस आते थे। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। वह हरदम बकबक करता था। हंसों और कछुए में मित्रता थी। हंसों ने एक दिन कछुए से कहा कि इस तालाब का पानी जल्द ही सूखने वाला है, तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या करना है? कछुए ने कहा, तुम ही कुछ सहायता करो। हंसों ने उसे अपने साथ बड़े तालाब में चलने का सुझाव दिया। कछुआ भी उनकी बात मान गया। उन्होंने कछुए के सामने एक शर्त रखते हुए कहा कि तुम बहुत बातूनी हो, सफर में बिल्कुल नहीं बोलना। कछुए ने शर्त मान ली। हंसों ने कछुए से एक लकड़ी को बीचों बीच पकड़ने के लिए कहा और वे लकड़ी को दोनों सिरों को अपनी अपनी चोंच से पकड़कर उड़ चले। कछुआ हंसों के साथ बादलों में उड़कर खुश हुआ। नीचे धरती के दृश्य देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया, अचानक बोल पड़ा। जैसे ही वह बोला, उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वह तालाब में गिर पड़ा। तो कहानी का तात्पर्य यह बनता है कि जरूरत से ज्यादा बकबक करना हमारे लिए अच्छा नहीं होता। धन्यवाद बच्चों।